आज एबीपी न्यूज के दो पत्रकारों को रामनाथ गोयनका का पुरस्कार मिला। संजय नंदन को हिंदी में बेहतरीन पत्रकारिता के लिए और गणेश ठाकुर को खोजी पत्रकारिता के लिए ये सम्मान मिला है। ब्रॉडकास्ट द विनर्स आर संजय नंदन फ्रॉम एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज के दो पत्रकारों को मिला है पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा सम्मान रामनाथ गोयनका अवार्ड। संजय नंदन को हिंदी में बेहतरीन पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है। संजय नंदन को ये अवार्ड एबीपी न्यूज की सीरीज राम राज्य के उस एपिसोड के लिए दिया गया जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे डेनमार्क में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। डेनमार्क भ्रष्टाचार के मामले में राम राज्य है, और ऐसा क्या है जो भारत भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए यहाँ से सीख सकता है। दरअसल भारत और डेनमार्क में बड़ा अंतर सोच का भी लगता है। एबीपी न्यूज के गणेश ठाकुर को खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है। गणेश को यह अवार्ड ऑपरेशन सम्मोहन के लिए दिया गया है। इस ऑपरेशन में पहली बार ये खुलासा किया गया था कि किस तरह से पढ़ी लिखी लड़कियां भी भ्रम के जाल में फंस गईं और अपने परिवार को छोड़कर सनातन संस्था में चली गई थी। यही वो आश्रम है जिसे सनातन संस्था ने अपना आश्रम बना रखा है। यहाँ पर हमने पहले फोन करके यहाँ के जो सेवक हैं या जो वाराणसी के इस संस्था से जुड़े जो लोग हैं उनसे फोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टाल मटोल करके अपना जवाब दिया। बाद में जब यहाँ आए तो यहाँ पर इन्होंने हमसे क्षमा मांगते हुए कहा कि हम इस विषय पर कुछ नहीं कह सकते।